एडजेक्टिव के इस क्लास में हम पार्ट टू में कुछ और भी एडजेक्टिव्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। एक सेंटेंस है, इट इज एन इल विंड दैट ब्लोज नोबडी एनी गुड, आई सॉ इट विद माई ओन आईज। तो यहाँ पे देखिए, जो इल है और ओन है वो एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव है, जो कि एम्फेसाइज कर रहा है विंड को कि इल विंड है और माई ओन आईज। ही वॉज बीटन एट हिज ओन गेम, वो अपने गेम में बीट हुआ। माइंड योर ओन बिजनेस, देखिए यहाँ पे ओन एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव है, ही इज हिज ओन मास्टर। अब नेक्स्ट है, देखिए दैट इज द वेरी थिंग वी वांट, वेरी यहाँ पे एडजेक्टिव है। माई वेरी एडवर्सरी टुक माई पार्ट, द वर्ड दैट इज समटाइम्स, द वर्ड भाट इज समटाइम्स यूज्ड एज एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव। वाट का भी कभी कभी यूज होता है एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव के रूप में, जैसे वाट जीनियस, वाट फॉली, वाट एन आइडिया, वाट ए ब्लेसिंग, वाट ए पीस ऑफ वर्क इज मैन। अब देखिए कुछ नाउन से कैसे एडजेक्टिव बनते हैं और वर्ब से कैसे एडजेक्टिव बनते हैं, जैसे उस पर भी हम चर्चा करेंगे। जैसे बॉय से अगर एडजेक्टिव बनाना हो तो बॉयस, देखिए बॉय से बना है, फूल से, फुल इज फूल से बना है, स्टॉर्मी स्टॉर्म से बना है, डर्टी डर्ट से बना है, प्लेफुल प्ले से, होप से होपफुल, केयर से केयरफुल, पार्डन से पार्डनेबल, लाभ से लाफेबल, एनवी से एनवियस, आउटरेज से आउटरेजियस, करेज से करेजियस, ग्लोरी से ग्लोरियस। ये सब टेस्ट पेपर में आपसे पूछूंगा, जो आपके जवाब देना होगा आपको, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ लें। ग्लोरी से ग्लोरियस, वेंचर से वेंचरसम। आगे आता है देखिए, ट्रबल से ट्रबलसम, टायर से टायरलेस, सीज सीजलेस, शेम शेमलेस, सेंस सेंसलेस, मैन मैनली, किंग किंगली, सिक सिकली, सिल्क सिल्कन, गोल्ड गोल्डन, गिफ्ट गिफ्टेड। कुछ एडजेक्टिव जो है वो एडजेक्टिव से भी बनते हैं, जैसे कि ट्रेजिक से ट्रेजिकल, ट्रेजिक से ट्रेजिकल, ब्लैक से ब्लैकिश, यहाँ देखिए ट्रेजिक से ट्रेजिकल, ब्लैक से ब्लैकिश, व्हाइट से व्हाइटिश। देखिए कुछ वर्ड में खाली स्थान दिए रहेंगे जिसको आपको एडजेक्टिव से फिलअप करना है, ये सारे एडजेक्टिव दिए हुए हैं इनसे आपको फिलअप करना है। एक बार मैं बता देता हूँ फिर आपको याद हो जाएगा, तो फिर आप खुद कर लेंगे इसको और टेस्ट भी आप दे सकेंगे। जैसे यहाँ देखिए, द टाउन स्टूड ए फियरफुल सीज होगा, नेक्स्ट है द प्राइज वाज वन बाय ए हिंदू, द फर्स्ट प्राइज यहाँ पे होगा। The woman lives in a raised hut. The poor woman lives in a raised hut होगा।
नेक्स्ट है देखिए, दिस इज ए वेरी सीरियस मैटर यहाँ पे होगा। उसके बाद है कि सडनली देयर अरोज ए वायलेंट स्टॉर्म होगा। इट इज ए डेलिबरेट लाई होगा। ये सब आपको याद रखना है। और एट में द टाइडिंग्स वेयर ए हैवी ब्लो टू द ओल्ड मैन, तो यहाँ पे सैड होगा, तो सैड टाइडिंग्स। नाइन में हैरी जो पिच 50 पे द फेयर एंड कीप द डैश मनी, तो यहाँ पे हो जाएगा रिमेनिंग मनी अब याद है कि हिज रीडिंग इज ऑफ ए वेरी वाइड रेंज होगा। द इंजर्ड मैन वांट्स मेडिकल एडवाइस होगा। यू कैन नॉट हैव इट बॉथ वेज। इंडिया एक्सपेक्ट्स एवरी मैन टू डू हिज ड्यूटी। 14th में है द अर्ली बर्ड कैचेज द वॉर्म। अब 15 आई, 15 में हैव यू एनी वैलिड रीजन टू गिव। 16 में कॉन्स्टेंट एंगजाइटी हैज अंडरमाइंड हिज हेल्थ। इसको आपको याद करते हुए चलना है। अब देखिए 17 में होगा देयर वेयर रायट्स, देयर वेयर रायट्स इन सेवरल प्लेसेस। 18 में एन एंग्री मैन विल नॉट रीजन कामली। 19 में ही स्टैंड्स 5 फीट इन हिज स्टॉकिंग्स। 20 में नेल्सन वन फॉर हिमसेल्फ इटर्नल फेम। 21 में ठीक है, आई हैव नो रेडी कैश। 22 में हो जाएगा ही ऑलवेज वॉक्स विद अ हैवी स्टेप। 23 में हो जाएगा सच एरर्स आर नॉट इजिली करेक्टेड। 24 में एवरी क्लाउड हैज ए सिल्वर लाइनिंग। 25 में ही वॉज ए मैन ऑफ एम्बिशन, ग्रेट एम्बिशन। एंड 26 में ही वॉज लिसन टू इन कंप्लीट साइलेंस। तो इस तरह से हमने देखा कि ये सारे यूज होंगे, और ये मैंने आपको इसलिए बता दिया कि आपको याद हो जाए, जिससे कि आप टेस्ट अच्छी तरह दे पाएँ और दोबारा रिवीजन भी आपका टेस्ट देने के दौरान हो जाएगा। एडजेक्टिव में आज इतना ही, फिर हम नेक्स्ट क्लास में एडजेक्टिव के बचे हुए पार्ट्स को करेंगे। धन्यवाद।